हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ जिससे कि आप अपने मोबाइल से लैपटॉप में या फिर पीसी में बहुत आसानी के साथ डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि अभी तक यूएसबी केबल से या डाटा केबल से आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो बहुत ही स्लोली डाटा ट्रांसफर होता है या फिर किसी किसी लैपटॉप या पीसी में सपोर्ट भी नहीं करता है। बट आज मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ उसमें आपको डाटा केबल की जरूरत पड़ेगा ही नहीं और एक छोटे से एप्लीकेशन के जरिए बहुत तेज़ी से आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यानी 1 GB डाटा अगर आपको 5 मिनट में ट्रांसफ़र होता है डाटा केबल से, तो आप उसी डाटा को 1.5 से 2 मिनट के अंदर आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो वाईफाई FTP सर्वर ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा MB का नहीं है। किस तरह से क्विकली और तेज़ी के साथ मैं इस स्मार्टफोन से डाटा को ट्रांसफ़र करूँगा लैपटॉप में और लैपटॉप से डाटा को ट्रांसफ़र करूँगा स्मार्टफोन में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल टेकगोंडी पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन का घंटा दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। अभी मैं आ गया हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मोबाइल भी हाथ में ले लिया हूँ। आ जाओ, आप भी करीब आ जाओ और यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले मोबाइल में क्या करना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाके यहाँ से ये वाला एप्लीकेशन वाईफाई FTP सर्वर इसको आप डाउनलोड कर लेंगे जैसा कि मैं कर लिया हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको यही ओपन कर लेना है। सो गाइस, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये देखो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ स्टार्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सर्वर URL मिल जाएगा, यही मेन URL है, इससे ही ट्रांसफ़र होगा डाटा। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको रख देना है साइड में। यहाँ पर मोबाइल साइड में रख दिया। अब इसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पर लैपटॉप पे। स्टार्ट करने से पहले जो काम करना है वो आ जाना आपको यहाँ पर नेटवर्क पर। नेटवर्क पर क्लिक करके यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। मोबाइल में आप अपना हॉट स्पॉट यहाँ पर दे सकते, ऐसा ओपन कर लेंगे, इससे आपका नेटवर्क भी चलेगा और ये भी चलेगा, डाटा भी ट्रांसफ़र होएगा। तो इसको यहीं पर साइड में रखेंगे और यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। अब ये कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड लिख के आ गया, यहाँ पर इसको हटा देना है। और अब आपको चले जाना है यहाँ पर डिस PC पर, यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। अभी जैसे कि यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी वो कनेक्ट नहीं हुआ है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, एरो दिख रहा है, यहाँ पर माउस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड ए नेटवर्क लोकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, इंटरनेट आर नेटवर्क एड्रेस, यानी वो URL मांग रहा है। तो जो URL इस स्मार्टफोन में आप यहाँ पर देख रहे हैं यही URL आपको यहाँ पर टाइप करना है, तब जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको URL को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। सेम टाइप करना है आप, जैसा ये URL रहेगा और वैसे ही टाइप करना है। और ये URL जब भी बंद करके आप लैपटॉप बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, जब भी नया कनेक्ट करेंगे तो नया URL जनरेट होके आता है, यही नहीं रहेगा इस पर, ये ध्यान रखना। ये बार बार आपको टाइप करके जब भी आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद कभी भी जब कनेक्ट करेंगे इसको डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो एक नया URL इसमें जुड़ जाता है, वो उसको आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको टाइप कर लेता हूँ। ये URL इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसा कि अब मैं सेम URL इसमें टाइप कर लिया हूँ। अब इसके बाद यहाँ ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, जैसा है वैसा रहने देना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। अब नीचे आ जाना है, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहीं पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको यहाँ पर अनटिक रहेगा तो आप इसको टिक कर देना। और इसका एक जब आप फर्स्ट टाइम जब इसको लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन के इसमें, तो एक यहाँ पर पासवर्ड बना लेना और उसको सेव कर लेना इसमें। अभी आपको क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पर फिनिश कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फाइल था स्मार्टफोन का, वो पूरा फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर शो करने लगा लैपटॉप में। तो जैसा कि मैं यहाँ से फिर से पीछे आ जाता हूँ कट करके, तो अब आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसका URL यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, यहाँ देख सकते हैं। ये जो भी स्टोरेज है ये इस डिवाइस का है, लैपटॉप का, लेकिन ये स्मार्टफोन का जो भी स्टोरेज रहेगा सब इसमें शो करने लगेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले इसमें क्लियर करने के लिए कि जब भी इस पर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो ये स्मार्टफोन का पूरा स्टोरेज इसमें आ जाएगा। अब इसका डाटा लैपटॉप का डाटा इसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यानी स्मार्टफोन में, और स्मार्टफोन का डाटा उठा के लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ आराम से, बहुत आसानी से। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे एक दूसरे का डाटा में ट्रांसफ़र करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ चले आता हूँ, मूवी पर क्लिक करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ वीडियो कन्वर्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ। इसका जो फाइल है वीडियो फाइल, वो मैं दिखाता हूँ।
तो ये देखो इसमें तीन वीडियो है, और ये तीन वीडियो को मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कि ये लैपटॉप के स्टोरेज में कैसे आता है। क्या करना है, इसको वन क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल दबाना है, फिर क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद तीनों सेलेक्ट हो गया, देन यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाता हूँ नीचे, ये लोकल डिस्क सी और डी दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ न्यू फोल्डर पर करता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। ये फोल्डर एकदम एम्प्टी है, देखो खाली है, इसमें कोई वीडियो नहीं है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे ही पेस्ट करता हूँ ये देखो डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। और कितना फास्ट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें जज कर सकते हैं कि कितना अच्छा ये वर्क कर रहा है। ये देखो ये आपके सामने ये डाटा पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गया है। ये देखो तीन वीडियो है, ये तीनों वीडियो आ चुका है। यहाँ से मैं पीछे करता हूँ, ये देखो ये तो पूरी तरह से श्योर हो गए होंगे कि स्मार्टफोन का डाटा लैपटॉप में कैसे लेते हैं, लेकिन अगर इसका डाटा इसमें लेना है तो फिर कैसे करेंगे, तो इसका भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये तीन थंबनेल दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको कंट्रोल करता हूँ और यहाँ से तीन को सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करके दिखाता हूँ। यहाँ कट लिखा हुआ यानी मूव करना है आपको, यहाँ से कट पर क्लिक कर दिया, अब ये तीनों सेलेक्ट हो गया। अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखो ये आईडिया नेटवर्क वाले ऑप्शन पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखो अब ये स्मार्टफोन का पूरा स्टोरेज आ गया। अब इसमें मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ये देखो राइट क्लिक किया, अब यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो अब ये कहाँ पर शो करेगा वो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये ट्रांसफ़र हो गया। आप कैसे समझेंगे कि ये ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्मार्टफोन को उठा लेता हूँ, और यहाँ से 20 से कट कर देना है। 20 से कट करने के बाद देन यहाँ गैलरी पर आ जाना है, गैलरी पर आने के बाद देन यहाँ रिसेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं वही फिर से शो करने लगा, यानी वही इमेज फिर से शो करने लगा जो मैं यहाँ पर मूव किया था तीनों। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कितना बेहतरीन तरीके से और क्विकली बहुत तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र होता है FTP एप्लीकेशन के जरिए। ये वायरलेस होता है, डाटा केबल का इसमें कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है। और आपको इसमें क्या होता है, बार बार जब आप डाटा केबल लगा के जब इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका ये डाटा का जो USB पोर्ट है ये ख़राब होने का डर रहता है। तो ये वायरलेस सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। आप भी वाईफाई FTP एप्लीकेशन का यूज़ करें और डाटा ट्रांसफ़र करें, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका भी डिवाइस सेफ रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।